गैंग्स ऑफ पूर्वाचल, मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी के बीच गोलियां चलने लगी। 1990 के आसपास ब्रिजेश सिंह ने तब के बिहार और आज के झारखंड का रुख किया। ब्रिजेश सिंह कोयला के बड़े कारोबारी और बाहुबली सूर्यदेव सिंह के लिए काम करने लगा। सूर्यदेव सिंह के दुश्मन की हत्या में ब्रिजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर था। इसी बीच ब्रिजेश सिंह का कांटेक्ट मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुआ। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारक की ब्रिजेश के द्वारा हायर किए गए शूटर्स ने हत्या कर दी। 12 सितंबर 1992 को इस्माइल पारक की गोली मारकर हत्या हुई। ब्रिजेश का शूटर भी उसमें घायल हो गया। ब्रिजेश सिंह और सुभाष ठाकुर डॉक्टर के भेष में गए और शूटर की अस्पताल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। यहीं से ब्रिजेश सिंह का दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम हो गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथ भी उसे मिल गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में विद्रोही मुख्तार अंसारी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रास्ता अपनाकर अपने वजूद को बड़ा कर लिया और ब्रिजेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। जुलाई 2001 में विधायक बन चुके मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के इलाके में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पर हमला बोल दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसका शूटर घायल हो गए और बाद में शूटर की मौत हो गई। नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के वजूद को प्रदेश में सबसे बड़ा कर दिया और ब्रिजेश सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा और ब्रिजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। साल 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। यूपी छोड़ने के बाद ब्रिजेश सिंह उड़ीसा के एक कारोबारी के तौर पर वहां रहने लगा। ब्रिजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को बढ़ाना शुरू किया। उसके बड़े भाई उदयनाथ सिंह और पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने राजनीति में कदम रखा। पूर्वाचल को बादशाहत की बीमारी लगी। कमजोर सड़कों में बादशाहत, धार्मिक कामों में बादशाहत, विकास न होने में बादशाहत, माफिया गिरी में बादशाहत, औरतों और माफियों को माननीय बनाने में बादशाहत। बादशाहत की इस कड़ी में ब्रिजेश सिंह का भी नाम जुड़ गया। तो ये थी ब्रिजेश सिंह की कहानी। हो सकता है कि ऐसी ही कोई किरदार या कहानी का हिस्सा हमें आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 3 में देखने को मिले, जहां ऐसा ही गैंग वॉर हो जो कहानी में एक अलग मोड़ लाए।